जय श्री राम मित्रों, रामायण महात्म्य कथा। सनत कुमार जी नारद जी से रामायण के महात्म्य का वर्णन करने के लिए आग्रह करते हैं। तब नारद जी कहते हैं, महात्म्य श्रवणम यस्य राघवस्य कृतात्म नाम दुर्लभम प्राहुरत्यंतम मुनयो ब्रह्मवादिनः। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्य आत्मा पुरुष के लिए परम दुर्लभ बताया है। इस पर आप लोग एक कथा सुनिए। द्वापर युग में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे। उनकी पत्नी सत्यवती थी। ताबुभो दंपति नित्यम रामायण परायणो। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। एक दिन उन धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि वहां आए। राजा ने रानी सहित उनकी अगवानी की तथा अतिथि सत्कार किया। मुनि ने कहा, यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण यानी ग्रंथ भी हैं, जिनका तुम पाठ कर सकते थे, फिर भी उन सब को छोड़कर तुम रामायण के ही पारायण में क्यों लगे रहते हो। तब राजा ने कहा, साधु श्रोमणे, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था। सदा कुमार्ग पर ही चलता था तथा सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। इस कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं जंगल में अकेले रहता था। वन में मैं ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम के पास ही रहता था। पूर्व जन्म में मेरी पत्नी का नाम काली था। उसका काम सदा दूसरों का धन चुराना और दूसरों की चुगली करना था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली। तब उसके भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। इस तरह वह परित्यक्ता काली इस स्थान पर मेरे पास आ गई। वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट में और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने लग गई। वशिष्ठ जी के आश्रम पर प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते थे। एक दिन बिना इच्छा के ही हम लोग वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे। उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था। फल स्वरूप हम दोनों भगवान के उत्तम धाम में पहुंच गए। वे भगवान के उस धाम में नहीं गए थे जहां से कोई वापस नहीं आता। कई युगों तक वहां रहने के पश्चात हम लोग पुनः पृथ्वी पर आए। अत्रापि संपद तुला रामायण प्रसादतः अनिच्छया कृतेनापि प्राप्तमेवन विधम मुने। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। विप्रवर, सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। इसी भाव को तुलसीदास जी इस प्रकार व्यक्त करते हैं, भायम को भायम अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अच्छे भाव यानी प्रेम से, बुरे भाव यानी बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये छोटा सा प्रसंग, छोटी सी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा और श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।